पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में आज से प्रारंभ होने वाले सत्संग कार्यक्रम से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सरस्वती देवी धर्मशाला मोहल्ला बाजी ग्रांड से मंडी चौक अमरोहा गेट चौमुखा पुल टाउन हॉल गंज बाजार जेल रोड होते हुए पीली कोठी चौराहा स्थित सत्संग स्थल पर पहुंचकर विराम लिया। शोभा यात्रा का प्रारंभ आचार्य अजयकांत मिश्रा के साथ प्रधान राकेश अग्रवाल प्रवीण अग्रवाल आदि ने नारियल फोड़ कर किया। सुंदर सजे कलश सिर पर लेकर 101 महिलाएं पीले वस्त्र पहने लाल चुनरी संग भजन कीर्तन करती हुई चल रही थी। कलश यात्रा का नेतृत्व शोभा अग्रवाल गीता अग्रवाल पूनम गुलाटी अंजू विदुला मीरा यशोदा आदि ने मुख्य रूप से किया। कलश यात्रा का स्वागत मार्ग में जगह जगह धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा करके किया। कलश यात्रा में बग्घी पर महाराज जी का फोटो सुंदर सजे फूलों के सिंहासन पर रखा हुआ था। इस दौरान भक्तगण बग्घी के आगे बैंड बाजे की भक्ति धुन पर ढोल लगाड़ों के थाप पर नृत्य करते हुए तालियां बजाते हुए नागरिकों का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। पूरा रास्ता भक्ति रस में गूंजते लगा रहा था। व्यवस्था में विवेक शर्मा संजीव वर्मा रणवीर सिंह अतुल जौहरी मनीष गुप्ता राजीव गुलाटी तरुण मदान हरिशंकर श्याम सुंदर के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। कलश यात्रा निकली जिसमें कि 101 महिला ने जो है कलश लेके निकली और पुरुष बड़े जोश शोर में जो है बड़े उत्साहवर्धक तरीके से इस कलश उसमें शामिल रहा। और कल से जो है गुरुवर का आगमन होने के बाद कथा शुरू हो जाएगी। महाराज जी का सत्संग शुरू है उसी उपलक्ष में आज यहाँ कलश यात्रा निकाली गई थी। सभी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते घूमता था। लगभग 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलने में सबका उत्साह डांस रंग राग के साथ गुरु जी की जय बोलते हुए लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। अब ये कथा इस स्थल पर समाप्त हुई है। कल साय से यहाँ सत्संग शुरू होगा जो कि 26 की शाम तक चलेगा। कलश यात्रा हमारा महाराज श्री का प्रवचन उपदेश शुरू होने से पहले यहाँ पे की जाइए। कलश यात्रा हमारी सब बहनों ने सब भाइयों ने गुरु दीक्षित लोगों ने मिलकर के शहर के सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर के नगरवासियों ने मिलकर के निकाली है। यह जन जागरण का एक माध्यम है हमारे पास। हम इसमें गुरु की अध्ययन आराधना तो कर ही रहे हैं गुरु को बुलाने के लिए। ये हमारे सभी नगरवासियों के लिए जन जागरण का माध्यम भी है कि हमारे सभी लोग देवता सत्संग सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारें। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।